Assalamualaikum, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम देखेंगे ब्राउन मल्टीक्विक 9, इसका रिव्यू एंड इसकी अनबॉक्सिंग और इसका रिव्यू क्या है, हाउ डज दिस वर्क। और ये सारी हम वेजिटेबल्स इससे कट करके देखेंगे कि जो इसमें ये कहा है के श्रेडिंग के लिए ये काम सारे ब्लेड करेंगे। तो हम वन बाय वन सारे प्रोसेस करके देखते हैं कि ये ब्लेड कैसा काम करते हैं और ये मशीन कैसा वर्क करती है। उससे पहले ये बता दें कि ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है और आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड टू ओपन दिस। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब हम इसको खोल के देखते हैं कि अंदर से इसके चीज़ें कौन कौन सी निकल रही हैं। तो सबसे पहले इसमें ये श्रेडिंग ब्लेड है और देखते हैं कि श्रेडिंग के कौन से ऑप्शन हैं। सो टू ऑप्शंस हैं फॉर श्रेडिंग, तो एक बिगर और एक स्मॉल। तो इसमें हम चीज़ श्रेड कर सकते हैं, कैरेट्स हैं और मोस्ट प्रोबेबली पोटैटोज माइट बी वगैरह। और ये इसके स्लाइसर ब्लेड्स के कुछ लेवल्स हैं, तो वो चेक करते हैं कि कितने हैं। ओके, सो ये है इसका एक स्लाइसर, ये है साइज एक स्लाइसर का, ये इतना थिन और ये थोड़ा इससे ज़्यादा थिक स्लाइस करने के लिए। तो इससे भी हम अपने वेजिटेबल्स को स्लाइस्ड करके देंगे। फिर आ रहा है इसमें, क्योंकि हमारे पास इसके ये 3 हैं जिनमें हम अपना मिक्सिंग या फिर श्रेडिंग और व्हाटएवर कर सकते हैं। तो ये सबसे स्मॉल वाला इसमें पीस कमिंग आउट, और हम देखते हैं कि वो कैसा है। ये है और मेन बेस्ट पार्ट इसका भी कवर है, इसके साथ प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने सबके साथ कवर दिए हैं। अभी हमें देखना ये है कि ये वर्क कैसा करने वाला है। ओके, ऐसे इसको प्रेस करेंगे तो ये वाला जो ब्लेड है ये इसको आपकी प्रोडक्ट को यहाँ से बाहर निकालेगा। इसमें ये छोटे छोटे होल्स हैं, तो इससे बेस्ट मैश हो जाएगा। ये मैशर, इसको मैशर बोलेंगे, मैशर। तो ये मैशर है इसमें, और उनको सो ये खुला है। ये है इसमें जो मेन थिंग आपके फ्रेंच फ्राइज के लिए, फ्रेंच फ्राई कटर के लिए। और ये है इसका मेन प्रोडक्ट, ये है 8 cup फूड प्रोसेसर। दिस इज हाउ मच बिग इट लुक्स लाइक, वेरी कूल। Let's open this. So here is a click how you can open that. Now, okay, so iska ek click yahan pe hai, ek click yahan pe hai. So open kare. Wow, look at the product. Aur ye hai iska dough blade. आप इसमें नीड भी कर सकते हैं। और
big hai, 8 US cup and 70 ounces, 2000 milliliter. Big jar. Very good. So this is the dough blade, and this is the main blade that's going in, actually, to support all the blades in here. These are the discs. That's gonna work very cool. So this is the best one. That works for the French fry cutter. That's the best one, best part. And all the these discs, these things are going in this disc. French fries cutter. This is going to be so cool. Okay, so how this is affected today? How that works? And last but not the least thing in there is, this is a whisk to whisk your all the pins. The main machine. It's going in there. It's this. So that blade goes in here, and the best part that I can see in there is this. That make your blade up and down, up and down. This is the best thing. The last drop of your milkshake is going to be very, very good. अच्छा, अब हम इसमें जूतियाँ कट करके देखते हैं। तो उसके लिए ब्लेड लगाएंगे। इसकी हमें उसके लिए ज़रूरत नहीं है। इसको हम उतार देंगे। इससे एक फायदा ये होने वाला है कि इसका ये जो डालने के लिए है आपके वेजिटेबल्स, इसका थोड़ा सा ये ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन इससे पहले हम इसमें जूलियन कट का ब्लेड लगाएंगे, ये वाला ब्लेड जो कैसे करके लगेगा, और इसको अगर कोई आपका फंस जाते हैं तो उसके निकालने के लिए इन्होंने ये साथ दिया, तो आप इसको उल्टा करके ऐसे निकाल सकते हैं अगर कोई फंस जाए। वैसे इसका प्रयास सच कर, ये हम डालेंगे और फिर इसको लगाएंगे, इजी पीजी। हमें मोटर देंगे, डाइस कैसे होता है, और इसके साथ हमें ये चाहिए प्रेसर। लेट्स सी हाउ दिस गोना वर्क। इसको यहाँ से टर्न ऑन करेंगे, अगर आपको दिखा सके। ये भी रेडी हो रहा है, ये लॉक्ड है, तो अच्छा। तो अब इसमें जो है हमने ये डाइस इसकी लगा दी है ट्रे, और अब हम ये इसका ब्लेड लगाएंगे जो कि इसको इतने थिक डाइसेस इसके कट करेगा। तो इसमें ये है कि ये लगा, स्टार्ट करते हैं इसका जूलियन का डाइसिंग। ये ऑन है, इसको
देखते हैं। इसमें एप्पल का डाइस तो अब हम ये लगा एक मिनट। सो अब हम इसमें ये वाली डिस्क लगा के इसके मुख्तलिफ ब्लेड लगाएंगे और चेक करेंगे इसकी थिकनेस स्लाइसिंग की। सो इसमें जो ये रह गए हैं इसको हम ऐसे करके निकालेंगे। Go. So, अब हम ये वाली डिस्क लगा के इसमें मुख्तलिफ ब्लेड्स ट्राई करेंगे कि स्लाइसर्स कितना थिक और थिन कट कर सकते हैं। चला जाएगा और इसमें अब हम खीरा कट करके देखते हैं कि कितने थिक स्लाइस करता है। तो इसके लिए keep that, remember we will be pressing this and this together and this is all done. Well done. तो इसमें जो स्लाइस हुआ है वो इतना थिक वाला हुआ है। तो अभी हम इसमें दूसरा ब्लेड ट्राई करते हैं और देखते हैं कि वो कैसा वर्क किया है इनसाइड। सो ये जूलियन कट इस ब्लेड से कट हुआ है, ये वाले ब्लेड से। सो ये जूलियन कट के लिए इसमें एजेस दिए हुए हैं और ये इतना थिक इसको काटेंगे। ये जूलियन कट हो गया है। चलें अब हम इसमें दूसरा स्लाइसर देखते हैं कि वो कितने थिन स्लाइसेस करता है। इसमें खीरा डाल दिया। टर्न ऑन। ये सबसे थिन स्लाइसर निकल रहा है। देखते हैं कितने थिन स्लाइसेस हैं। ये देख अब हम इसमें जो है श्रेडिंग करके देखेंगे। एक बिग श्रेडर था और एक स्मॉल श्रेडर। तो पहले स्मॉल श्रेडर करके यूज देखते हैं। चलें अब हम ये डालते हैं एप्पल। इसको ऑन करने का वही मेथड, एक तरफ से प्रेस करके रखेंगे, एक्सेलरेटर ऑन करेंगे। स्मॉल श्रेडर अब हम देखते हैं इसके रिजल्ट क्या है। थोड़े से स्लाइसेस रह गए लेकिन अंदर श्रेडिंग काफी बेस्ट श्रेडिंग, बारीक बिल्कुल अच्छे से हो गए थे। ये एप्पल की स्लाइस श्रेडिंग थी। तो अभी हम इसमें थिक वाला श्रेडर यूज करके देखते हैं। अब ये थिक श्रेडर यूज करके देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा आता है। ये एक एप्पल डाला और इसका वही मेथड, ये थिक श्रेडर। टू एप्पल के पीसेस करके देखते हैं इसका थिक स्लाइस कैसा होता है। और ये कैरेट्स वगैरह के लिए होपफुली बहुत बेस्ट होगा। तो ये देखें ये रिजल्ट्स इसके आए हैं।
जो कि बहुत नाइस है, बहुत अच्छे इसकी थिक श्रेडिंग हो गई है। और ये ब्लेड्स के दो साइड्स हैं, दोनों डिफरेंट है, जिसमें एक तरफ इसका एरो थोड़ा सा है और दूसरी तरफ ऐसे इसकी मेकिंग है। तो फिर एरो वाली साइड जो है वो बाद में टक इन करनी है हमने। तो इसके डिस्क में मैं आपको करके दिखाती हूँ कि इसका मेथड क्या है, इसको लगाने का और फिर निकालने का। तो इसके लिए पहले तो ये उसकी नोब लगा के इसमें ये डिस्क इसकी लगानी है, और उसके बाद हमने ये वाली साइड पहले टक इन करनी है और फिर जो एरो वाली साइड है वो बाद में हम लगाएंगे। तो ये वाली साइड पहले जाएगी इनसाइड और बाद में हम दूसरी साइड इसको प्रेस करके इन करेंगे। और इसको निकालने का तरीका ये है कि जो थोड़ी सी बेंट साइड है उसको हम हल्का सा प्रेस करेंगे और ये आराम से ब्लेड आउटसाइड निकल आएगा। तो ये इसका इजी मेथड है लगाने और निकालने का। ओके, सो अब वो ब्लेड यूज़ करने वाले हैं जिसके लिए हम सबसे सुपर डुपर एक्साइटेड थे, जो कि है फ्रेंच फ्राइज ब्लेड। तो इसकी डिस्क लगा दी है और अब इसके ऊपर लगा के तो अब हम इसमें ट्राई करते हैं कि कौन से वाले पोटैटो हम और इसमें कितना वर्क करेंगे। तो ये एक नॉर्मल साइज़ का पोटैटो मैंने लिया और उसको ट्राई करते हैं कि इसमें क्या। वाह, इट वर्क्ड वेरी वेल। सो हम थोड़े से और ट्राई करते हैं। तो ये थोड़ा सा मोटा था तो इसको हम थोड़ा पतला। चलें, अब ये हमारा दूसरा पोटैटो। ये जाएगा। इस डिस्क का देखते हैं कि इससे कैसे फ्राइज हमें मिले। तो ये फ्राइज कट हुए हैं और नॉट बैड एट ऑल। थोड़े से थिक हैं बट दे आर वर्किंग नाइस एंड फाइन। ओके, सो इसके लिए हम सुपर डुपर एक्साइटेड थे कि कैसा वर्क करने वाला है ये फ्रेंच फ्राइज कटर, और बहुत अच्छा वर्क करा इसने। तो अब हम देखते हैं इसमें मिल्क शेक के लिए बना के कि इसमें कितनी पावर है। तो इसके लिए हमने 350 ml दूध लेके उसमें 2 bananas डाल के हम मिल्क शेक बना के देखेंगे कि कितनी फास्ट डज दिस वर्क। तो ये डाल दिया है, अब हम इसका ब्लेड लगाएंगे ये वाला, और इसका फीचर देखते हैं जो कि बाउंस करता है, वो देखते हैं कैसा वर्क करता है ये। तो वर्क ये ऐसे ही होना है, इसको जब भी ये अनलॉक करना हो एक बार बस प्रेस करना है। So smooth, blended fully, and it worked like in 15 seconds, I think. And our milkshake is ready. Wow, that's amazing. That's amazing product and the machine. Yeah. So अब हम इसमें मैशर लगा के देखते हैं कि वो कैसे पोटैटोज जो बॉयल है उनको कैसा मैश करता है। तो ये देखें, बिल्कुल मश और बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट होके इसमें से निकल आए।
चले मिलते हैं अगली वीडियो में, और फिर आप बताइएगा कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।